हेलो ऑल। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एपीआई, एपीआई का टाइमलाइन, एपीआई की हिस्ट्री। सो लेट्स लर्न। सो मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एपीआईस लॉन्च हुई है और यूज किया गया है। सो इन 1991 कोबरा करके सबसे पहले एक एपीआई आया था, उसको अपग्रेड करके आरडीए बना, उसको अपग्रेड करके एक्सएमएल आईपीसी आरपीसी बना, उसको अपग्रेड करके सोप बना। सोप शायद आप में से काफी लोगों ने सुन रखा होगा। सो सोप काफी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद से एपीआई का एक ग्रूम इंडस्ट्री में आना शुरू हुआ था। आफ्टर दैट रेस्ट आया। रेस्ट ने बहुत हद तक सोप के लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया और रेस्ट से एक्चुअल मार्केट जो है वो हर कोई एपीआई यूज करने लगा। उसके बाद जेसन आरसीपी, ओ डेटा, ग्राफ क्यूएल, जीआरपीसी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एपीआईस हैज बीन लॉन्च्ड। पर अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा जो एपीआई चलता है दैट इज रेस्ट एंड ग्राफ क्यूएल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सो हमारे पास बेसिकली तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, सोप, रेस्ट एपीआई एंड ग्राफ क्यूएल। सोप मीन्स सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, दिस इज अ फुल फॉर्म फॉर सोप। सोप का लिमिटेशन था कि यहां से जो आप डेटा सेंड कर रहे हो वो सिर्फ एक ही एचटीटीपी मेथड के हेल्प से होगा, दैट इज पोस्ट। आप सिर्फ पोस्ट से डेटा भेज सकते हो, मतलब आप सिर्फ यहां से डेटा सेंड कर सकते हो फॉर एनी क्रिएशन। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन था सोप का। तो आप यहां से जो डेटा भेज रहे हो वो बॉडी के अंदर ही जाएगा। दूसरा इसका लिमिटेशन था कि जो फॉर्मेट था डेटा सेंड करने का या रिसीव होने का वो सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट था, जिसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर सोप एपीआई जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाती। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा नहीं लेती, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो सोप एपीआई यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर जस्ट आफ्टर एन ईयर उस चीज को ओवरकम करके रेस्ट एपीआई बनाई गई। रेस्ट एपीआई मोस्टली सारे एचटीटीपी मेथड्स को यूज करती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड एक्सेट्रा। जितने भी आपके एचटीटीपी मेथड्स है, रेस्ट एपीआई वो सारे एचटीटीपी मेथड्स को यूज करती है फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा। प्लस यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है या तो सामने से जो डेटा रिसीव हो रहा है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में होता है। आपको एक्सएमएल में चाहिए तो एक्सएमएल में भी मिल जाएगा, जेसन चाहिए तो जेसन में मिल जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगा। जिसकी वजह से एक ये जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि वो एप्लीकेशन जो एक्सएमएल फॉर्मेट सपोर्ट करती है सिर्फ वही एपीआई यूज कर सकती है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन जो है वो हट गया। कोई भी एप्लीकेशन हो रेस्ट एपीआई उस एप्लीकेशन के हिसाब से डेटा सेंड कर देगी, चाहे वो जेसन के फॉर्मेट में हो, चाहे एक्सएमएल के फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो। सो दैट इज द रीजन रेस्ट ने बहुत ज्यादा मार्केट कवर कर रखा है। सी दिस इज योर एक्सएमएल फॉर्मेट कि यहाँ पे एनकोडर्स होते हैं, यहाँ पे अलग से टैग्स अप्लाई किए जाते हैं और उसके बाद आपका डेटा ट्रांसफर होता है। वेर एज दिस इज अबाउट योर जेसन, सिंपल यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर होता है कि आपका एक की होता है उसके अंदर आपके मल्टीपल वैल्यूज होती है, एंड इन अ फॉर्म ऑफ एरे ऑल्सो आप यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। जेसन के अंदर आप एरे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग जेसन का बहुत डीपर फॉर्म देखेंगे कि जेसन में कैसे क्रिएशन होता है। सो दिस इज बेसिकली सोप एंड रेस्ट एपीआई। पर अब रेस्ट एपीआई का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा अपडेट करना है, तो मैं अगर मुझे सिर्फ एड्रेस अपडेट करना है तो मैंने एड्रेस के लिए एक अलग से एपीआई बनाया। मुझे सपोज डिलीट का काम करना है तो मैंने डिलीट के लिए अलग से एक एपीआई बनाया। मुझे किसी एम्प्लॉय के आईडी देने के बाद उसका डेटा डिलीट करना है तो मुझे अलग से एपीआई बनानी होगी। मुझे अगर कोई नया यूजर ऐड हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से एपीआई बनानी होगी। तो यू नो देयर आर फॉर एवरी स्मॉल थिंग आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज। तो हम कितनी एपीआई क्रिएट करेंगे एक एप्लीकेशन के अंदर? अगर मैं 40-50 एपीआई क्रिएट करूं तो अननेसेसरी मेरा एप्लीकेशन बल्कि नहीं हो गया? तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रेस्ट का कि रेस्ट की वजह से हमें हर छोटी से छोटी चीज के लिए एपीआई बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम कहीं ना कहीं काफी बल्कि हो जाता है। उस चीज को अपग्रेड किया हमने ग्राफ क्यूएल के साथ। अभी मार्केट में जो चीज चल रही है दैट इज ग्राफ क्यूएल। ग्राफ क्यूएल इज लाइक आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है
कि मैं कितनी एपीआई बनाऊं क्या बनाऊं, नहीं, सिंगल एपीआई एंड मल्टीपल वर्क, ये इसी कंसेप्ट पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोजेक्ट करके टेबल है और उसमें नेम, टैगलाइन, कंट्रीब्यूटर्स, ये सारे के सारे डेटा है जो आपको ट्रांसफर करना है। अब आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि मुझे सिर्फ टैगलाइन जो है दैट आई हैव टू चेंज, तो आप यहाँ पे, या फिर मुझे टैगलाइन ही पास करना है तो आप सिर्फ टैगलाइन ही भेजो, आपको बाकी के डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। या आपको अगर सामने से एज अ रिस्पॉन्स सिर्फ टैगलाइन ही चाहिए, पूरा की पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में भेज दो कि मुझे सिर्फ टैगलाइन का डेटा चाहिए, तो आपको रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ टैगलाइन का डेटा ही आएगा। सो दैट व्हाट ग्राफ क्यूएल सेज, आस्क व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए सिर्फ उतना ही मांगो और उतना ही मिलेगा, और वो भी एक सिंगल एपीआई से। तो मुझे मल्टीपल एपीआई एक ही चीज के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वेरस अगर यहीं पे रेस्ट एपीआई हम यूज करते तो मुझे हर चीज के लिए एक अलग अलग एपीआई बनानी होती। तो इस चीज को काफी हद तक रिड्यूस किया ग्राफ क्यूएल ने। सो नाउ डेज इन मार्केट ग्राफ क्यूएल, दैट्स द मेन रीजन कि ग्राफ क्यूएल जो है वो मार्केट में काफी ज्यादा यूज हो रहा है। सो दीज अबाउट द टाइप्स ऑफ एपीआईज।